शोभा नाम की औरत जिसकी बहन वृंदावन में रहती थी। एक दिन वह उसको मिलने के लिए वृंदावन गई। शोभा जो कि काफ़ी पैसे वाली औरत थी, लेकिन उसकी बहन कीर्ति जो कि वृंदावन में रहती थी ज़्यादा पैसे वाली नहीं थी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी, या यह कह सकते हैं कि दिल की वह बहुत अमीर थी। उसका पति मिट्टी के घड़े बनाने का काम करता था। शोभा काफ़ी सालों बाद अपनी बहन को मिलकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसमें थोड़ा सा अपने पैसों को लेकर बहुत अभिमान था। वो कीर्ति के घर हर छोटी बात पर उसकी चीज़ों में नुक्स निकालती रहती थी, लेकिन कीर्ति थी उसको कुछ ना कुछ कहकर बस यह कह देती थी कि बिहारी जी की इच्छा है, लेकिन शोभा हर बात में उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। कीर्ति ने अपनी तरफ से अपनी बहन की आवाभगत में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने अपनी बहन का पूरा ख्याल रखा। उसने वृंदावन के सारे मंदिर के दर्शन करवाए और उनकी महिमा के बारे में बताया। शोभा यह दर्शन करके बहुत खुश हुई और उसने महिमा भी सुनी, लेकिन उसका इन चीज़ों में इतना ध्यान नहीं था, बस दर्शन करके वापस आ गई। उसको वृंदावन में रहते हुए काफ़ी दिन हो गए। एक दिन वह अपनी बहन से बोली कि कीर्ति, अब मैं बहुत दिन से आपके घर में रहते हुए समय बीत गया है, अब मुझे अपने घर को जाना चाहिए। तो कीर्ति थोड़ी सी उदास हो गई और बोली, बहन कुछ दिन और रुक जाओ। लेकिन शोभा बोली, नहीं, काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे आए हुए इस घर में, मेरे पति और बच्चे अकेले हैं, उनको सास के सहारे छोड़ कर आई हूँ, अब मैं जाऊँगी। जब शोभा वापिस जाने लगी कि कीर्ति जो शोभा की बड़ी बहन थी, तो उसे अपनी बहन को उपहार स्वरूप मिट्टी का घड़ा दिया। घड़े को देखकर शोभा हैरान सी हो गई और मन में सोचने लगी, क्या कोई उपहार में घड़ा देता है? लेकिन कीर्ति के बार बार आग्रह करने पर उसने अनमने से घड़ा को ले लिया। जब शोभा जाने लगी तो कीर्ति की आंखों में आंसू थे, लेकिन शोभा उससे नजरें चुराते हुई जल्दी जल्दी वहां से चली गई। सारे रास्ते शोभा यही सोचती रही कि मैं घर जाकर अपनी सास और पति से क्या बताऊंगी कि मेरी बहन ने मुझे घड़ा उपहार रूप में दिया है। तो उसको इस बात से बहुत लज्जा आ रही थी, तो उसने सोचा कि मैं घर में जाकर झूठ बोल दूंगी कि घड़ा मैंने खरीद कर लिया है, मुझे तो मेरी बहन ने काफ़ी कुछ दिया है। इसी तरह सोचती सोचती मैं घर पहुंची और उसने घर जाकर घड़ा अपनी रसोई में ऊपर रख दिया। उसको मन में बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि मेरी बहन क्या इस लायक भी नहीं थी कि छोटी बहन को पैसे उपहार में दे सके, एक घड़ा सा पकड़ा दिया। अब उसको अपने घर आए काफ़ी दिन हो गए, गर्मियों के दिन थे। तभी उसके गांव में पानी की बहुत दिक्कत आने लगी, कुएं में नदियों में पानी सूख गया। उसके गांव के लोग दूर दूर से पानी भरकर लाते थे। पैसे होने के बावजूद भी शोभा को पानी के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। एक दिन शोभा बहुत दूर जाकर उनसे पानी भर रही थी। वहाँ पर और भी औरतें पानी भरने के लिए आई हुई थी, तो जल्दी पानी भरने की होड़ में धक्का मुक्की में शोभा का घड़ा टूट गया। शोभा दूसरी औरतों पर चिल्लाने लगी, यह क्या आपने किया, बड़ी मुश्किल से मैंने पानी भरा था, आप लोगों ने धक्का मुक्की करके मेरा घड़ा तोड़ दिया है। अब वह उदास मन से घर को आई। अब उसके पास कोई दूसरा बर्तन भी नहीं था पानी भरने के लिए। तभी अचानक उसको अपनी बहन के दिए हुए घड़े की याद आई, तो उसने रसोई के ऊपर से घड़ा उतारा और फिर चल पड़ी दूर पानी भरने के लिए। जब कुएं पर पहुंची, अभी भीड़ कम हो चुकी थी, वह घड़े में पानी भरकर घर ले आई। तभी उसका पति खेतों से वापस आया और गर्मी अधिक होने के कारण वह गर्मी से बेहाल हो रहा था और आकर कहता है, शोभा क्या घर में पानी है, क्या एक गिलास पानी मिलेगा? तो शोभा ने कहा, हाँ मैं अभी भरकर लाई हूँ। तभी उसने घड़े से निकालकर एक गिलास पानी अपने पति को दिया। गले से पानी उतरते ही
उसका पति एकदम से उठ खड़ा हुआ और बोला, यह पानी तुम कहाँ से लाई हो? तो शोभा एकदम से डर गई, शायद मुझसे कोई भूल हो गई है। तो उसने कहा, क्यों क्या हुआ? तो उसने कहा, यह पानी नहीं, यह तो अमृत लग रहा है। इतना मीठा पानी आज तक मैंने कभी नहीं पिया। यह तो कुएं का पानी लग ही नहीं रहा है, यह तो लग रहा है किसी मंदिर का अमृत है। तो शोभा बोली, मैं तो कुएं से ही भरकर लाई हूँ। यह देखो घड़ा भरा हुआ है। उसके पति ने कहा, यह घड़ा तुम कहाँ से लाई थी? उसने कहा, जब मैं वृंदावन से वापस आ रही थी तो मेरी बहन ने मुझे दिया था। ये सुनकर उसका पति चुप सा हो गया। अब शोभा का पति बोला कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम भोजन तैयार करो। तो शोभा ने उसे घड़े के जल से दाल चावल बनाए। घड़े के पानी से दाल चावल बनाने से उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। गांव के सब लोग सोचने लगे कि आज गांव में कहाँ उत्सव है जो इतनी अच्छी खाने की खुशबू आ रही है। सब लोग एक एक करके खुशबू को सूंघते हुए शोभा के घर तक आ पहुंचे। साथ में उसका पति भी था। तो उसने आकर पूछा कि आज तुमने खाने में क्या बनाया है? तो उसने कहा, मैंने तो दाल और चावल बनाए हैं। तो सब लोग हैरान हो गए कि दाल चावल की इतनी अच्छी खुशबू। सब लोग शोभा का मुंह देखने लगे कि आज तो हम भी तेरे घर दाल चावल खाकर जाएंगे। उसने किसी को मना नहीं किया और थोड़ी थोड़ी दाल चावल सबको दिए। दाल चावल खाकर सब लोग उसको कहने लगे, ये दाल चावल नहीं, ऐसा लग रहा है कि हम लोग अमृत चख रहे हैं। तो शोभा के पति ने कहा, तुमने आज दाल चावल कैसे बनाए? उसने कहा कि मैंने तो इस घड़े के जल से ही दाल चावल बनाए हैं। शोभा का पति बोला, तेरी बहन ने तो बहुत अच्छा उपहार दिया है। अगले दिन जब शोभा घड़ा भरने के लिए जाने लगी तो उसने देखा घड़ा तो पहले से ही भरा हुआ था। उसका जल वैसा का वैसा ही था जितना वो कल लाई थी। उसने उसमें उतना ही जल देखा। खाना भी बनाया था, जल भी पिया था, लेकिन घड़ा फिर भी भरा का भरा रह गया। शोभा एकदम से हैरान हो गई, ये कैसे हो गया। तभी अचानक उसी दिन उसकी बहन कीर्ति उसको मिलने के लिए उसके घर आई। तो शोभा अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुई, उसको गले से लगा लिया और उसको पानी पिलाया। उसने अपनी बहन को कहा कि दीदी, यह जो तूने मुझे घड़ा दिया था, यह तो बहुत ही चमत्कारी घड़ा है। मैंने तो तुच्छ समझकर रसोई के ऊपर रख दिया था, लेकिन कल से जब से मैंने यह जल भरा है, तब से जल से भरा हुआ इसका जल इतना मीठा है, और इसके जल से मैंने दाल चावल बनाए जो अमृत के समान बने थे। उसकी बहन बोली, अरे ओ मेरी भोली बहन, क्या तू नहीं जानती, यह घड़ा ब्रजभूमि की राज यानी वृंदावन की माटी से बना है, जिस पर साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी नंगे पांव चलते थे, उसी रज से यह घड़ा बना है। यह घड़ा नहीं, साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी के चरण तुम्हारे घर में पड़े हैं। किशोरी जी और ठाकुर जी का ही स्वरूप तुम्हारे घर आया है। यह सुनकर उसकी बहन अपने आप को कोसती हुई और शर्मिंदा होती हुई अपने बहन के कदमों पर गिर पड़ी और बोली, मुझे क्षमा कर दो, जो मैंने वृंदावन की राज माटी की महिमा को ना जान सकी। जिसकी माटी में इतनी शक्ति है, तो उस बांके बिहारी और लाडली जी में कितनी शक्ति होगी। मैं अज्ञानी मूर्ख ना जान सकी, मुझे ब्रज की रज की महिमा और उसकी महत्ता का नहीं ज्ञान था, मुझे क्षमा कर दो। तो उसकी बहन उसको उठाकर गले से लगाती हुई बोली कि बहन, किशोरी जी और ठाकुर जी बहुत ही करुणा अवतार हैं, तुम्हारे ऊपर उनकी कृपा थी जो इस घड़े के रूप में, इस रज के रूप में तुम्हारे घर पधारे। शोभा बोली, बहन तुम्हारे ही कारण मैं धन्य उठी हूँ, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। यह कहकर दोनों बहने आंखों में आंसू भरकर एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी। जय श्री राधे राधे। मित्रों, ये कथा सच्ची कथा पर आधारित है जो मैंने आज आपको सुनाया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। मित्रों, अब आपसे लेते ही इजाजत, मिलेंगे फिर ऐसे ही खास कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत।